अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं जिस मशरूब की रेसिपी लाई हूँ उसका नाम है कड़क चाय। कड़क चाय बनाना इंतहाई टेक्निकल सा काम है। ये एक ऐसा मशरूब है जो कि हर मौके पे पिया जाता है। नींद नहीं आ रही तो एक कप चाय हो जाए, थकावट दूर करने को दिल चाह रहा है एक कप चाय हो जाए, मौसम इंजॉय करना है जनाब एक कप चाय हो जाए, सोने को दिल चाह रहा है तो जनाब सोने से पहले भी एक कप चाय हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप पानी लिया, उसको मैं अच्छे से बॉईल करूँगी और उसके बाद बॉइलिंग टाइम पे उसके ऊपर 3 साबुत इलायचियाँ डालूँगी जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद 2 टीस्पून मैंने पत्ती के डाल के इस पानी को मैं अच्छे से बॉईल करूँगी ताकि पत्ती का पूरा रंग जो है वो पानी में आ जाए। ये 2 कप चाय की रेसिपी है। आप अगर इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वान्टिटी का प्रोपोर्शन उसी हिसाब से इंक्रीज करेंगे। अब जनाब मैंने इसके अंदर 2 कप दूध ऐड किया और इसको मैं बहुत अच्छे से स्टेट करूँगी इस किचन टूल से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा झाग बने और इसका टेक्सचर जो है वो बहुत फ्लफी सा बने। अब इसको मैं बॉईल देने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे सिमर करूँगी 2 से 3 मिनट तक। एंड में इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ 2 चाय के चम्मच। आप चीनी जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन इसको हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसको लो फ्लेम पे सिमर करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। जी तो जनाब हमारी चाय बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद कढ़ाएंगे और इसका जितना मतलब डार्क कलर निकालना चाहते हैं आप उसको उतनी देर और पकाएंगे। जी सर जनाब हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो रेसिपी चाय की तैयार है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आई एम 110% श्योर कि आपकी बहुत अच्छी सी चाय बनेगी। ना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।